हाय डियर फ्रेंड, आप सभी ने 20 क्वेश्चन इसमें कर लिए थे। ये जो है सीपीएम का, ठीक है, सीपीएम क्रिटिकल पथ मेथड वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन कर लिए थे। अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि 21 से लेके देखते हैं कितने क्वेश्चन तक कर लेते हैं। हालांकि ये जो सीपीएम है इसमें 45 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तो आपने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे 21 से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन। तो यहाँ पे 21 नंबर पे क्या बोला है, What is the time by which the completion of an activity can be delayed without affecting the start of succeeding activities called? अब ये क्वेश्चन पहले भी कर लिए, पहला इसका क्वेश्चन यही था, ठीक है। पहला अगर क्वेश्चन इसका देखे होंगे तो यही क्वेश्चन बताया था, और वो क्या है, उसको बोला जाता है फ्री फ्लोट। उसको क्या बोला जाता है, फ्री फ्लोट बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, फ्री फ्लोट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्यूरेशन अलोंग द क्रिटिकल पथ, डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। ड्यूरेशन के अलोंग में क्रिटिकल पथ को बताना है, ठीक है। तो क्रिटिकल पथ को पता ही है कि ये किस तरीके का होता है, या अगर इस क्वेश्चन का जवाब अगर देना है तो किस तरीके का होता है। देखो, शॉर्टेड ड्यूरेशन नीडेड नहीं, ये नहीं होता है। शॉर्टेड ड्यूरेशन परमिशिबल होता है, ठीक है। शॉर्टेड ड्यूरेशन क्या होता है, परमिशिबल होता है। फिर बाद में लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन नीडेड होता है, एंड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन परमिसिबल नहीं होता है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन नहीं, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन परमिसिबल होता है, और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन नीडेड होता है। तो ये चीजें याद रखेंगे। तो दूसरा और तीसरा क्रिटिकल पथ ड्यूरेशन के अलोंग में होता है, तो दूसरा तीसरा कौन सा है, सी द राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 23 assertions और रीजन से रिलेटेड है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, assertions और रीजन से रिलेटेड। ए बी सी डी इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ये चीजें ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। अगर आप ईएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना तो आइडिया है, और बहुत सारे क्वेश्चन में हमने बता भी दिए हैं। assertions में बोला है क्रिटिकल पाथ जो है कैन पास थ्रू डमी एरो एल्सो, ठीक है। यहाँ पे बोला है क्रिटिकल पाथ पास थ्रू डमी एरो एल्सो, सही बात है, क्रिटिकल पाथ डमी एरो के थ्रू भी जाता है, ऑब्वियसली जाता है। नेसेसरी एडिशनल नोड्स आर इंट्रोड्यूस टू एंश्योर यूनिकनेस ऑफ आईजे नोटेशन ऑफ एक्टिविटी, बात तो ये भी राइट कह रहा है, लेकिन ये डमी से रिलेटेड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, करेक्ट रीजन नहीं दे रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट परफेक्ट। तो दोनों राइट अपनी अपनी जगह पे, तो बी ऑप्शन होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता तो ए होता है। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर भी तीन स्टेटमेंट है और इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है, स्टेटमेंट में करेक्ट कौन कौन से हैं। तो करेक्ट कौन कौन से है वो चीजें बता देते हैं, किसके अकॉर्डिंग बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीपीएम टेक्निक प्रोजेक्ट प्लानिंग के बेस पे बताना है, तो बता देते हैं। द क्रिटिकल पाथ कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटी फॉर विच द टोटल फ्लोट इज जीरो, सही बात है, जिसका टोटल फ्लोट जीरो हो जाता है वही क्रिटिकल पाथ बताता है, ठीक है। और इस चीज को अगर समझना है तो मैंने ऑलरेडी मैंने बताया है कि इसके प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, इसमें सीपीएम से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक दो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें एक लेबर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्ट है और दूसरा एक न्यूमेरिकल है, उसको देखिए आपको आइडिया मिल जाएगा। उसमें सब कुछ समझा दिया है, ए टू जेड एक ही न्यूमेरिकल में सब कुछ बता दिया है, तो वो चीजें वहां पर देख सकते हैं। दूसरा बोला है कि इंडिपेंडेंट फ्लो इज एक्सप्रेस एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड स्लैक एट द हेड इवेंट, नहीं हेड इवेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट गलत है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीट एनी एक्टिविटी अर्लियर देन द क्रैश टाइम, सही बात है। तो 1-3 कौन बता रहा है, डी बता रहा था, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ चीजें तो थोड़ा बहुत लर्न करने पड़ेंगे और कुछ चीजें तो आपको सिचुएशन बेस पे है, तो उसके जवाब तो उसी बेस पे ही देने होंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 क्या बोला, व्हाट इज द ड्यूरेशन बाय विच द कंप्लीशन टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ एनी ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटी। तो ये जो ऑप्शन बता रहा है ये फ्री फ्लोट का बता रहा है, फ्री फ्लोट के बारे में बता रहा है, ठीक है, याद भी कर सकते हैं। क्या बोला है, व्हाट इज द ड्यूरेशन बाय विच द कंप्लीशन टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्टिंग ऑफ एन द सक्सीडिंग एक्टिविटी, स्टार्ट ऑफ एनी सक्सीडिंग एक्टिविटी, ठीक है, स्टार्ट ऑफ एनी सक्सीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट किया बिना, जो मतलब डिले टाइम बताता है कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, तो क्या है, फ्री फ्लोट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल एक्टिविटी इन AOA नेटवर्क, ठीक है। तो ये कौन सा है, कौन बता रहा है एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल एक्टिविटी, तो एक्टिव ये जो क्रिटिकल एक्टिविटी जो बताता है वो है जीरो फ्लोट बताता है, फ्लोट की वैल्यू जीरो, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ नेटवर्क, ओनली वन टाइम एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी। देखिए स्टेटमेंट दिया है, चार स्टेटमेंट दिया है, इसमें आंसर बताना है, ठीक है,
चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, चार कुछ ऊपर भी हैं, अभी मैं दिखा देता हूं आपको, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट है, कौन सा राइट है। तो ओनली वन टाइम एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी, सही बात है, एक ही टाइम जरूरत होता है बताने के लिए। थ्री टाइम एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटी, नहीं, टाइम एंड कॉस्ट आर बोथ कंट्रोलिंग फैक्टर, सही बात है, वन और थ्री हो गया। और फोर्थ क्या बोला, इट इज ए बिल्ट अप ऑफ इवेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम, नहीं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्टली एप्लीकेबल टू सीपीएम नेटवर्क, तो ये दो थे, कौन थे, वन और थ्री थे, तो ये था राइट आंसर। 28 नंबर का क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं, आइडिया मिल जाएगा आपको, सब कुछ आइडिया मिल जाएगा। इन द एबो नेटवर्क शोन बिलो द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी आर रिटेन अलोंग देयर एरो, द क्रिटिकल पाथ ऑफ द एक्टिविटी इज अलोंग, क्रिटिकल पाथ बताना है। तो आपको मैंने बताया, यहाँ देखिए ये गया 7, यहाँ पर एक ही आ रहा है, तो 7, 8, 15 हो गया, और ये 10 हो गया एक ही आया, तो अब यहाँ पे दो आ रहा है, देखिए ये 15, 0, 15 और 10, 14, तो यहाँ पे 15 आ रहा है, मतलब इधर से देखो क्या मैक्सिमम किधर जा रहा है, 15, 8 करते हैं तो 23, और यहाँ पर करोगे एक ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर 18 हो गया, और 18 + 22 हो रहा है, और 15 और 8 कर रहा है तो 23 हो रहा है, तो 23 आ गया, और ये दोनों जोड़ देंगे तो आपका 27 आ जा रहा है। तो कहाँ से आया, देखो ये वाला गया, ये वाला, फिर इधर आया, फिर इधर आया, कौन कौन सा है, 7, सॉरी 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 के बाद 5 है, तो 1, 2, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 8, ये वाला राइट है, 28 का ए, ठीक है, 28 का ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। रास्ता कौन मैक्सिमम उसको दे रहा है ड्यूरेशन का, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये टीई इसको इंडिकेट करता है, यहां पर 0 ही होता है, ये टीई बताता है अर्ली इवेंट टाइम, ठीक है। थोड़ा बहुत पॉइंट तो आपको सीखने पड़ेंगे, तो आपको आ जाएगा। अगर कोई डाउट होता है, कोई चीज नहीं आती है, तो मैं आपको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेकर आपको बता दूंगा कि टीई क्या होता है, टीएल क्या होता है, ईएसटी, ईएफटी, एलएसटी, एलएफटी, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, ये क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, वो सारा कुछ आपको डिटेल में बता दूंगा, इजी वे में, बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। रिकमेंड करने के लिए लाइक की बहुत जरूरत होती है, तो रिकमेंडेशन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, आप देख रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दें, ओके। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, द फिगर ऑफ द बिलो इंडिकेट अ प्रोजेक्ट नेटवर्क, द नंबर एट ईच एक्टिविटी रिप्रेजेंट इट्स नॉर्मल ड्यूरेशन इन अ डे, ठीक है। द क्रिटिकल पाथ इज अलोंग, ये नॉर्मल ड्यूरेशन भी इसका दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्रिटिकल पाथ ही बताना है ना, तो क्रिटिकल पाथ के लिए वही इंडिकेट करिए, यहाँ पर तो 1 हो गया, यहाँ पर एक ही आ रहा है तो 1, 2, 3 हो गया, यहाँ पे 1, 3 एक ही आ रहा है ना, तो 1, 3, 4 हो गया। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3, 4, 7 और ये 4 और 6, 10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, देखिए 3 और 5, 8 और यहाँ पे 4 और ये 7, 11, तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 11, 9, 20 और ये 18, तो 20 और ये 10, 30 आ रहा है, तो किधर से गया, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपका ये 11 कहाँ से आया, यहां से आया, यहां गया फिर यहां आया, ठीक है, ये वाला पथ लिया, ये वाला से नहीं आ रहा है, ठीक है, यहां से 11 फिर ये गया फिर ये गया, तो कौन सा आ रहा है, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8 ऊपर भी वही आया था, नीचे भी 1, 2, 3, 5, 7, 8 सी बता रहा है यहाँ पे, 1, 2, 3, 5, 7, 8 यहाँ पर 3 बता रहा है, सी बता रहा है, ये 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ से कौन सा आ रहा है, ये अच्छा अच्छा ये 4 था, तो ये 4 और 7, 11 आया था, ओके ओके, गलत यहाँ पर हुआ, छोटा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहां से 5 से जो किए थे 3, 5, 8 आता था, लेकिन ये 11 कैसे आया, यहां से आया है, ठीक है, तो ये वाला रास्ता नहीं, ये रास्ता होगा, ये रास्ता गया भाई, तो 1, 2, 4, 5, 7, 8 1, 2, 4, 5, 7, 8 है, तो ये वाला राइट है, ये रॉन्ग है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जो 11 आया है वो इधर से आया है, यहां से नहीं आया है, ठीक है, तो वो रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट की बात किया यहाँ पर, करेक्ट देख लेते हैं, करेक्ट, टोटल फ्लोट कैन अफेक्टेड ऑल एक्टिविटी इन द चेन, नहीं, सबको नहीं इफेक्ट करता है,
फ्री फ्लोट कैन अफेक्टेड ओनली द प्रिसीडिंग एक्टिविटी. सही बात है, फ्री फ्लोट अफेक्ट करता है ओनली प्रिसीडिंग एक्टिविटी को, और इंडिपेंडेंट फ्लोट अफेक्ट करता है ओनली पर्टिकुलर कंसर्न एक्टिविटी को. पर्टिकुलर कंसर्न एक्टिविटी को इंडिपेंडेंट फ्लोट अफेक्ट करता है, तो ये भी राइट है. तो 2-3 कौन बता रहा है? सी बता रहा है, तो सी इज द राइट आंसर. ओके, तो उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी 10 ही हुए हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन तो इसमें हो जाएगा, 15 क्वेश्चंस में भी हो जाएगा. यहाँ 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, असर्शंस और रीजन से रिलेटेड है. अ डमी जॉब इज असाइंड 0 टाइम टू परफॉर्म. सही बात है, 0 टाइम ही परफॉर्म करता है, ठीक है, 0 टाइम ही करता है. इट इज यूज मेनली टू स्पेसिफाई. अब ये बिकॉज है, यहाँ पे लगा सकते हैं बिकॉज लगा के, और आंसर देखिए अगर परफेक्ट बैठ रहा है तब तो ये राइट है. बिकॉज इट इज यूज मेनली टू स्पेसिफाई प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिए होता है, और ये बात सही भी बोल रहा है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ए आंसर राइट है. ठीक है, परफेक्ट रीजन दे रहा हो तुम. 32 में देख लीजिए, ये नेटवर्क है. इन द नेटवर्क शोन अबव द नंबर ऑन द एरो गिव द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी. द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ए इवेंट 6 टू बी अटेंड ईच, मतलब अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम बोला है फॉर इवेंट 6 की बात किया यहां पर, इज टू बी अटेंड. तो क्या अटेंड करेगा, तो करते जाइए. यहां पर देखिए 5 आ गया, इस पे जाएंगे तो 5 और 10 एक ही है ना, तो ये 15 हो जाएगा. यहां पर भी एक ही आ रहा है, तो 5 ये 13 हो गया. यहां पर 2 आ रहा है, देखिए 15 और 7 करेंगे तो 22, और ये 5 और 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 17, और यहाँ बस 2 ही था ना, तो ये वाला 22 आ जाएगा. यहाँ पर 3 आ रहे हैं, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर एक तो 13 और 8 अगर करते हैं, 13 और 8 तो 21 होगा, और यहाँ पर 22 और 5 करें तो 27, तो 27 ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये भी कम ही हो रहा है, 19 हो रहा है, तो 27 आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, 27 ही पूछा है ना, किसके लिए पूछा है, 6 के लिए ही पूछा है, 6 इवेंट के लिए अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, ये अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है. फिर लेटेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ नीचे लिखेंगे, वही होगा यहाँ के लिए. तो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 33 का. क्रिटिकल पाथ मूव्स अलोंग द एक्टिविटी हैविंग टोटल फ्लोट इज 0, टोटल फ्लोट इज 0, टोटल फ्लोट इन प्लानिंग नेटवर्क. तो क्या होता है टोटल फ्लोट इन प्लानिंग नेटवर्क के लिए, क्या होता है ये आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा आएगा. ठीक है, तो लेट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम सही है, पहला राइट है, मतलब बाकी रॉन्ग होंगे. अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस लेट स्टार्टिंग टाइम नहीं है, लेट स्टार्टिंग टाइम लेट फिनिश टाइम नहीं है, लेट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम ये आ सकता है, क्योंकि बात तो एक ही है, दोनों की बात एक ही कर रहा है, चाहे स्टार्टिंग टाइम बोलो चाहे फिनिश टाइम बोलो, ये भी राइट हो रहा है. तो इसके लिए अलग से ऑप्शन देगा, नहीं तो मतलब कोई एक गलत करके देगा. तो यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चंस पे ना मतलब आप अगर टिक कर देते हो, ठीक है, और नहीं टिक करते हो तो ये दोनों के लिए बेनिफिट है, करोगे या नहीं करोगे, ये क्वेश्चन को अमान्य काउंट किया जाता है. ठीक है, अमान्य, क्योंकि आपको दो पे आपको मार्किंग करोगे तो गलत ही हो जाएगा, तो इसको अमान्य काउंट किया जाता है. अगर ऐसे क्वेश्चन 2012 में जो पूछे हैं तो इसको अमान्य काउंट करते हैं, इसपे दोनों को लिखे हो या नहीं लिखे हो सबको मार्क्स मिल जाते हैं, या तो किसी को नहीं मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये आपका स्टेटमेंट बेस पे है, सीपीएम नेटवर्क एनालिसिस के पर्टेनिंग टू सीपीएम नेटवर्क एनालिसिस के बेस पे है, तो इसके क्या आंसर हो सकते हैं. ठीक है, तो क्या आंसर हो सकता है वो बता देते हैं इसमें. इट इज इवेंट ओरिएंटेड मेथड, नहीं इवेंट ओरिएंटेड नहीं होता, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, तो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड दूसरा राइट है. टाइम एंड कॉस्ट आर कंट्रोलिंग फैक्टर, ये सही होता है, टाइम अलोन इज कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं. 2-3 कौन इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो 2-3 कौन बता रहा है, बी बता रहा है, तो बी इज द राइट आंसर. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी है. ओके, नेक्स्ट बोल लेते हैं 36, आई थिंक मेरे ख्याल से 15 मिनट तक हो गए हैं, तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, 10 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट बच जाएगा, तो बाकी की जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अपडेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिएगा. थैंक यू.